राजधानी लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थियों का मानना है कि बेसिक शिक्षा विभाग एक अंक के विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी दरकिनार कर रहा है, उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। पिछले 11 महीनों से नियुक्ति को लेकर सभी अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं, उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। वहीं एक शिक्षक अभ्यर्थी ने बताया कि जब तक उन्हें नियुक्ति का आदेश लिखित में नहीं मिल जाता है तब तक हम ऐसे ही बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के सामने धरने पर बैठे रहेंगे। सर हम लोग बिल्कुल करो या मरो की स्थिति पे आ गए हैं। 66 दिन से 69,000 शिक्षक भर्ती के उत्तर कुंजी के अभ्यर्थी हैं और धरना दे रहे हैं। इसलिए धरना दे रहे हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट से आर्डर आए हुए एक साल हो गया, अभी तक कोई भी हम लोगों की कार्रवाई नहीं हुई है। जमीनी स्तर को सर 9 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अंक बढ़ाते हुए मेरिट के अनुसार चयन करने का आदेश दिया था एक शैक्षिक परिभाषा प्रश्न पर, लेकिन सरकार के अधिकारी बेसिक अधिकारी सुप्रीम कोर्ट का आदेश 11 महीने से लगातार नहीं मान रहे हैं। 66 दिन से हम लोग लखनऊ के निदेशालय में धरना दे रहे थे, आज हम लोग विवश होकर शिक्षा मंत्री का आवास घेराव किए हैं। सर हमको आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। मैं दिव्यांग अभ्यर्थी हूँ सर, इन लोगों ने विकलांग का नाम बदल के दिव्यांग रख दिया। खाली दिव्यांग नाम बदलने से क्या हमको सम्मान मिल गया? जब हम अपने अधिकार मांगते हैं तो हमको हमारे साथ अन्याय क्यों किया जाता है? हमारा असली सम्मान उसी में है जब हमको हमारा अधिकार मिल जाएगा।